हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा हब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। आपके फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट का एक चैप्टर है क्रूड ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दो वर्ड्स आए हैं, क्लासिफिकेशन एंड क्रूड ड्रग्स। सबसे पहले देखते हैं कि क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं। क्रूड ड्रग्स यानी कि सिंपल फॉर्म ऑफ ड्रग। क्रूड ड्रग्स आर प्लांट, एनिमल्स और देयर पार्ट्स विच आफ्टर कलेक्शन आर सब्जेक्टेड ओनली टू ड्राइंग और मेकिंग देम इनटू ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल स्लाइसिस पीसीस और पीलिंग देम। इन सम केसेस दे एग्जिस्ट इन नेचुरल फॉर्म। यानी कि क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं, एक सिंपल फॉर्म ऑफ ड्रग होते हैं जिनको हम किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त करते हैं। उनको सिर्फ वहाँ से कलेक्शन करने के बाद, ड्राई करने के बाद छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया जाता है और यूज़ किया जाता है। उसमें कोई भी अलग से मैकेनिकल चेंजेस या केमिकल चेंजेस हम नहीं करते हैं। तो वही क्या है, हमारी सिंपल फॉर्म ऑफ ड्रग यानी कि क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स में भी डेराइव्ड फ्रॉम वेरियस नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटसेट्रा। जो हम क्रूड ड्रग्स यूज करते हैं वो हम किसी भी नेचुरल यानी कि प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं। वे प्राकृतिक स्रोत प्लांट्स भी हो सकते हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं और मिनरल्स भी हो सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो हमें ड्रग्स को क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्यों हुई? जब बहुत सारे अमाउंट में हमारे पास ड्रग्स कलेक्ट हो गई तो उनको हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करते हैं जिससे कि हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सके और उनकी स्टडी कर सके। और जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो इस बेस पर करते हैं कि क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल हो, इजीली हम उसको एप्लीकेबल कर सके अपने ड्रग्स पर और उसमें कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, हम स्टडी ड्रग की ईजिली कर सकें। तो यहाँ पर जो क्लासिफाई किया गया ड्रग्स को वो सिक्स कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, देन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो वन बाय वन हम इनकी स्टडी करते हैं। हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। इन अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर्म ऑफ देयर लैटिन एंड इंग्लिश नेम्स। तो अल्फाबेटिकली जैसे वर्ड सजेस्ट कर रहा है, अल्फाबेटिकल यहाँ पर हम जो ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं उनको उनके इंग्लिश या फिर लैटिन वर्ड्स जो होते हैं उनका इनिशियल अल्फ़ाबेट के बेस पर क्लासिफाई किया जाता है। जैसे आप एक डिक्शनरी आप यूज़ करते हो तो डिक्शनरी में जब आप वर्ड को आइडेंटिफाई करते हो वो कैसे, उसका जो इनिशियल अल्फ़ाबेट है उसी के बेस्ड पर आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। जैसे ए बी सी डी, तो यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड या फार्माकोपियाज जो रेफरेंस बुक्स होते हैं उनमें ड्रग्स को जो क्लासिफाई किया गया है उनको उन्हीं के इंग्लिश या फिर लैटिन वर्ड्स के इनिशियल अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि इंडियन फार्माकोपिया इन 1955, नेक्स्ट है इंडियन फार्माकोपिया 1966 इंग्लिश वर्ड्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। देन ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्माकोपिया एंड यूरोपियन फार्माकोपिया, ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं कंट्रीज़ की जिसमें ड्रग्स को उनके इनिशियल अल्फ़ाबेट के बेस पर क्लासिफाई किया गया है। देखते हैं इसके एडवांटेज। इट इज़ सिंपल मेथड इन दिस सिस्टम, लोकेशन ट्रेसिंग एंड एडिशन ऑफ द ड्रग इज़ इजी। ये सबसे सिंपल फॉर्म है किसी भी मटेरियल को क्लासिफाई करने की जिसके बेस पर हम इजीली उस ड्रग को लोकेट कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं और या फिर किसी और ड्रग को हमें ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। देन नो टेक्निकल पर्सन इज़ रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग द सिस्टम। इस क्लासिफिकेशन को या फिर इस सिस्टम को हैंडल करने के लिए किसी भी टेक्निकल पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सर ठीक है, जैसे हमने ड्रग्स लिया, सपोज़ को अल्फ़ाबेट के बेस पर क्लासिफाई कर दिया, तो अब उस पर्सन को उन ड्रग्स के बारे में नॉलेज है या नहीं है वो मायने नहीं रखता है। वो जैसे ए ऑर्डर में ड्रग है तो ए ऑर्डर से ड्रग निकाल देगा, बी अल्फ़ाबेट के सीक्वेंस में तो बी से निकाल के लिया आएगा। तो कोई टेक्निकल पर्सन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन।
डिसएडवांटेज क्या है, साइंटिफिक नेचर ऑफ द ड्रग कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय दिस मेथड वेदर दे आर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। यहाँ पर जो हमने ड्रग्स को क्लासीफाई किया है उनके कॉमन नेम के बेस पर क्लासीफाई किया है, अब उनका साइंटिफिक नेचर क्या है, उनका बॉटनिकल नेम क्या है, वो हमें यहाँ पर नहीं पता। देन ओरिजिनल सोर्स इज नॉट क्लियर, अब किस सोर्स से वो हमें ड्रग मिल रही है वो भी हमें नहीं पता है कि वो प्लांट सोर्स से है, एनिमल सोर्स से हमें ड्रग मिल रही है या फिर हमें मिनरल सोर्स से वो मिल रही है। एग्जाम्पल ऑफ अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, जैसे यहाँ पर ड्रग्स को क्लासीफाई किया गया है उनके इनिशियल अल्फ़ाबेट के बेस्ड पर, जैसे अगार, एलोए, आमला, बीजवैक्स, सिनेमन, डिजिटेलिस, दतूरा, एफेड्रा, एरगॉट, फेनल, गार्लिक, जिंजर, इसबगॉल, जलब, कॉलिन, लेमन ऑयल, मिर एंड नेक्समोमिका। ये कुछ ड्रग्स हैं जिनको अल्फाबेटिकली क्लासीफाई किया गया है। जितने भी आप क्लासिफिकेशन एग्जाम में लिखोगे तो इनके साथ उनका एग्जाम्पल भी आपको देना है। नेक्स्ट है हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम ड्रग्स को उसके मॉर्फोलॉजी के बेस्ड पर क्लासिफाई करते हैं, मींस उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो दिखने में कैसा है, उसकी टेस्ट कैसा है, उसका ऑर्डर कैसा है, इस बेस्ड पर ही हम ड्रग को क्लासिफाई करते हैं। हेयर द प्रूव ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ द प्लांट और एनिमल रिप्रेजेंट इनटू ऑर्गेनाइज ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज ड्रग। अब यहाँ पे जो हमने ड्रग को क्लासिफाई किया है, चाहे वो प्लांट सोर्स से हमें मिला हो या फिर एनिमल सोर्स से हमें मिला हो, उसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग को और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग को। और ऑर्गेनाइज्ड यानी कि सेलुलर फॉर्म ऑफ ड्रग, दीज ड्रग्स आर द डायरेक्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, वे ड्रग जो हम प्लांट से डायरेक्टली कलेक्ट कर सकते हैं और उसके सेलुलर फॉर्म में वो अरेंज होता है, मीन्स उसका स्ट्रक्चर कम्प्लीट होता है। जैसे लीव्स, दतूरा, सेना और डिजिटलिस के कुछ एग्जाम्पल हैं, यानी कि हम जो प्लांट से लीव्स को कलेक्ट करते हैं वो अपने सेलुलर फॉर्म में है, हम उसके स्ट्रक्चर को इजीली देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितनी लेंथ है, क्या कलर है और कितनी उसकी विड्थ है, क्या उसकी स्मेल है। तो नेक्स्ट है बार्क्स, सिनेमन, सिनकोना, कुर्ची, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। रूट्स, रावोल्फिया, लिकोराइस, एपिकैक, राइजोम्स, जिंजर, टर्मरिक, फ्लावर, क्लोव, सैफरन, फ्रूट्स, फेनल, कार्डेमम एटसेट्रा, ये कुछ एग्जाम्पल हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के। नेक्स्ट हमारा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग यानी कि दीज ड्रग्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट थ्रू फिजिकल प्रोसेस लाइक इंसीजन, ड्राइंग और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ये वो ड्रग्स हैं जो एसेलुलर फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं और हम जब प्लांट से इनको लेते हैं तो डायरेक्ट ना लेके किसी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हम उसको लेते हैं, या तो हम इंसीजन कट करते हैं उसमें ड्राई करते हैं या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट के थ्रू हम उसमें से ड्रग्स को ले रहे हैं प्लांट से। तो एग्जांपल के लिए ड्राइड लेटेक्स किस से ले रहे हैं, हम ओपियम से ले रहे हैं। ओपियम के कैप्सूल में हम कट लगा करके जो लिक्विड निकलता है उसको ड्राई करते हैं और फिर वहाँ से स्क्रैप आउट करके ले लेते हैं, तो वो क्या है, लेटेक्स होता है ओपियम का जो हम कलेक्ट करते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट तो प्लांट से कलेक्ट नहीं कर रहे कि हमने लीफ लिया तोड़ लिया था, यहाँ पे क्या किया हमने कैप्सूल में कट किया और जो उसमें से लिक्विड लेटेक्स निकल कर आ रहा है उसको कलेक्ट किया। ऐसे ही ड्राइड जूस, एग्जाम्पल एलोए, ड्राइड एक्सट्रैक्ट अगार या जिलेटिन से हम लेते हैं, गम अकेशिया ट्रगाकैंथ से हम लेते हैं, वैक्स बीज वैक्स हम यूज़ करते हैं, गम रेजिन जैसे मिर और एसाफोएटिडा हम यूज़ करते हैं प्लांट से, और ये सारे अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज मोर कन्वीनियंट फॉर प्रैक्टिकल स्टडी। अब यहाँ पे हमने ड्रग्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में, यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म से है या अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म से है, उसका सोर्स क्या है, वो दिखता कैसा है, ये पता चल जाता है, तो प्रैक्टिकल पर्पस से ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा है। इट्स वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग द एडल्ट्रेंट यूज्ड। अब जब हमने उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में पता चल गया है तो हम जो एडल्ट्रेंट्स होते हैं, मींस जो मिलावट कर दी जाती है, हम इजीली उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि रिपीटेशन ऑफ ड्रग में अपीयर,
यहाँ पे ड्रग्स का रिपीटेशन भी होता है. कैसे? क्योंकि जो ड्रग हम प्लांट यूज़ कर रहे हैं, तो सपोज़ हम उसके लीफ भी यूज़ कर रहे हैं और हम उसका रूट भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो दोनों कैटेगरी में वो ड्रग आ जाती है. वो लीफ में भी उस ड्रग का नाम आ जाएगा और रूट में भी उस ड्रग का नाम आ जाता है. तो थोड़ा कन्फ्यूज़न ये क्रिएट करता है इसमें. नेक्स्ट है हमारा टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन. जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पर हम जो क्लासिफाई करते हैं ड्रग को, उसके टैक्सा के बेस्ड पर क्लासिफाई करते हैं. इन द सिस्टम द ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमिकल स्टडीज एंड द ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. इट इज़ ए प्योरली ए टाइप ऑफ बॉटनिकल क्लासिफिकेशन. टैक्सोनॉमिकल वर्ड की बात करें तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज टैक्सिस एंड सेकेंड इज नोमोस, जो कि एक ग्रीक वर्ड है. टैक्सिस का मीन्स होता है किसी भी मटेरियल को सीरीज में रखना, एंड नोमोस का मीन्स होता है रूल्स, यानी कि मटेरियल को सीरीज में अरेंज करने के जो रूल्स होते हैं वो टैक्सोनॉमिकल वर्ड का मीनिंग होता है. तो यहाँ पर हम जो ड्रग्स हैं, चाहे वो प्लांट सोर्स से हो, मिनरल सोर्स से हो या फिर एनिमल सोर्स से हो, उनको उनके टैक्सा के बेस पर क्लासिफाई करते हैं. और वो कैसा होता है, उनके जैसे फाइलम, किस फाइलम से वो बिलोंग करते हैं, उनका ऑर्डर क्या है, उनकी जीनस क्या है, उनकी स्पीशीज़ क्या है, उनकी फैमिली क्या है. एक तरह से कह सकते हैं बॉटनिकल क्लासिफिकेशन ये है. इसका एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एक ड्रग ली है, फेनल ड्रग. फेनल ड्रग का अगर बात करें तो फाइलम इसका एंजियोस्पर्म है, जो कि डाइकोटिलेडोन से, यानी कि दो इसमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ सीड्स. ऑर्डर अम्बेली फ्लोरिस का ऑर्डर है, फैमिली अम्बेली फेरी, जीनस फोनिकुलम एंड स्पीशीज वल्गेर. तो यहाँ पर जो फेनल है वो किस फाइलम से बिलोंग करती है, उसका ऑर्डर क्या है, उसका सब ऑर्डर क्या है, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, उसके बॉटनिकल नेम क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिल गई है. तो ये क्या है, इसका टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन. एडवांटेज की बात करें तो इजी फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग. जो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है बहुत इजी, इसलिए हम इसमें ड्रग को क्लासिफाई कर सकते हैं उनके टैक्सा के बेस्ड पर और उनके फैमिली के बारे में हम इसमें यहाँ पर जान सकते हैं. डिसएडवांटेज की बात करें, इट फेल्स टू रिकॉग्नाइज द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड नेचर ऑफ ड्रग. अब यहाँ पे हमने प्लांट को जो क्लासिफाई किया है उसके पूरे स्ट्रक्चर के बेस पर क्लासिफाई किया है या फिर उसके फैमिली के बेस पर क्लासिफाई किया है, हमें ये नहीं पता कि वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है या फिर वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है. क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म जो ड्रग होता है वो भी तो हम प्लांट से ही कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये इसमें ये नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते कि जो ड्रग यूज़ कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी में है या फिर वो अनऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी में है या फिर वो प्लांट के हमें किस पार्ट से मिल रहा है. नेक्स्ट है, केमिकल नेचर ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेराप्यूटिक सिग्निफिकेंस ऑफ क्रू ड्रग इज आल्सो नॉट इंक्लूडेड. यानी कि जो प्लांट है उसके क्या केमिकली प्रॉपर्टी वो शो कर रहा है, उसमें क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और वो क्या एक्टिविटी शो कर रहा है, वो भी हम इस क्लासिफिकेशन के बेस्ड पर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. तो नेक्स्ट जो हमारा फिर क्लासिफिकेशन है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन. तो द क्रूड ड्रग्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर ऑफ देयर सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द ड्रग टू विच द फार्माकोलॉजिकल थेराप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ ड्रग इज एट्रीब्यूटेड. अब यहाँ पे हमने ड्रग्स को जो क्लासीफाई किया है उनके केमिकल नेचर पर क्लासीफाई किया है, यानी कि ड्रग्स में क्या मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जा रहे हैं, वो क्या एक्टिविटी शो कर रहे हैं, उसी बेस पर हमने यहाँ पर ड्रग को क्लासिफाई किया है. एग्जांपल के तौर पर एल्केलॉइड्स, जो दतूरा या एरगट प्लांट है, इनमें जो चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है वो एल्केलॉइड पाया जाता है. नेक्स्ट ग्लाइकोसाइड, इसका एग्जाम्पल है डिजिटालिस, सेना, लिकोराइज, वॉलेटाइल, पेपरमेंट ऑयल, क्लॉव, यूकेलिप्टस एट्सेट्रा. प्रोटीन एंड एंजाइम्स, पेपेन, ट्रिप्सिन और इसके अलावा जिलेटिन, टैनिन्स, अशोका, पेल कैटेचू एट्सेट्रा. यानी कि जो प्लांट्स में मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं उनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, और फिर जिस प्लांट में जो भी चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है उनको उसी कैटेगरी में
रख दिया गया है। एडवांटेज की बात करें तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आर नोन। अब यहाँ पर हमें ड्रग के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में पता चल गया है कि जो ड्रग है उसमें क्या मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है। इस नेक्स्ट है फाइटोकेमिकल स्टडीज आर वेल परफॉर्म थ्रू दिस सिस्टम। केमिकल क्लासिफिकेशन से हमें पता चल गया है कि जो ड्रग्स हैं या प्लांट के पार्ट हैं उनमें कौन कौन से मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, तो उसकी हेल्प से हम जो फाइटोकेमिकल स्टडीज़ है वो ईजी हो गई है, यानी कि किस कैटेगरी के प्लांट में कौन से केमिकल मोर अमाउंट में पाए जाएंगे वो हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज इसमें क्या है, ड्रग्स ऑफ डिफरेंट ऑरिजिन आर ग्रुप्ड अंडर सिमिलर केमिकल टाइटल्स, यानी कि जो ड्रग्स हैं वो अलग अलग ऑरिजिन से हमें मिल रहे हैं, सोर्स से मिल रहे हैं, लेकिन उनमें हो सकता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सेम पाया जा रहा है, तो वो हम एक ही कैटेगरी में रख देते हैं, तो इससे थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट, नो प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ ड्रग कंटेनिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स। अब जैसे दो प्लांट में सेम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जा रहा है, तो ऐसे ही एक प्लांट में हो सकता है एक से ज़्यादा मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जा रहे हो, तो उनके लिए कोई प्रॉपर प्लेसमेंट इसमें नहीं है कि हम उसको किस कैटेगरी में रखें। नेक्स्ट है हमारा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। इन फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग्स आर ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ देयर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरापेटिक यूजेस। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने ड्रग्स को उसके मेन जो थेरापेटिक एक्टिविटी शो कर रहा है उसके बेस पर क्लासिफाई किया गया है। मीन्स जो उसमें केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट है वो क्या एक्टिविटी शो कर रहे हैं और किस डिजीज़ को वो ट्रीट कर रहे हैं उसके बेस पर हमने फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया है। तो एग्जाम्पल की बात करें इसमें, जैसे कार्मिनेटिव जो गैस रिपेलेंट का वर्क करती हैं वो ड्रग्स कैटेगराई की गई हैं कार्मिनेटिव्स में, जैसे फेनल, कोरिएंडर, डिल, क्लोव। नेक्स्ट एमेटिक्स जो जैसे इपिकैक्वाना वॉमिटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं जो ड्रग्स। नेक्स्ट है बिटर टॉनिक के लिए, डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं क्वेशिया, सिंकोना, जेंशियन। एंटी अमीबिक जैसे कुर्ची, इपिकैक। बल्क लैक्सेटिव के लिए जो ड्रग्स यूज़ करते हैं जैसे अगार, इसबगोल, एलोए। एक्सपेक्टोरेंट जो ड्रग हम कफ में यूज़ करते हैं सिलिकराइज, वसाका, इपिकैक। एंटीटसिव का एग्जांपल है ओपियम, जो स्पटम को रिमूव करने के लिए हम ड्रग यूज़ करते हैं। कार्डियोटोनिक्स में डिजिटालिस, क्विल, स्ट्रोमेंटस जो कार्डियक एक्टिविटी को फंक्शन को इम्प्रूव करने का वर्क करता है। CNS स्टिमुलेंट जो CNS को स्टिमुलेट करने का वर्क करता है, जैसे कॉफ़ी जिसमें कैफीन प्रेजेंट होता है। कुछ एंटी कैंसर ड्रग है जैसे विंका लीव्स हम यूज़ करते हैं फॉर एंटी कैंसर पर्पज से। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रिकमेंडिंग सब्सटीट्यूट्स ऑफ एन अनअवेलेबल ड्रग। अब हमारे पास यहाँ ड्रग का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। कैसे, फॉर एग्जांपल कार्मिनेटिव कैटेगरी में हमने फेनल, कोरिएंडर, डिल, क्लोव ये ड्रग्स रखे हैं, तो हमें पता चल गया है कि ये जितनी भी ड्रग्स हैं ये फॉर कार्मिनेटिव पर्पज से हम यूज़ कर सकते हैं। अब उसमें से सपोज हमारे पास कोई ड्रग अवेलेबल नहीं है तो हम उसका सब्सटीट्यूट ईजिली क्लासिफिकेशन से ले सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ केमिकल कॉन्स्टेंट ऑफ द क्रूड ड्रग्स आर नॉट नोन दे कैन बी क्लासिफाई प्रॉपरली ऑन द बेसिस ऑफ थेरापेटिक यूजेस। अब हमें चाहे यहाँ पर पता हो या ना पता हो कि क्या केमिकल कॉन्स्टेंट उसमें पाया जा रहा है, लेकिन हमें पता है कि वो क्या थेरापेटिक एक्शन शो कर रहा है, तो उसके बेस पर भी हम ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो ड्रग्स विद डिफरेंट एक्शन ऑफ द बॉडी गेट क्लासिफाइड इनटू मैनी ग्रुप थस क्रिएटिंग कन्फ्यूजन। अब हो सकता है कोई ड्रग है जो दो प्रॉपर्टी शो कर रहा है या फिर दो फार्माकोलॉजिकल एक्शन में हम उसको पुट कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि कन्फ्यूज़न वो क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इपिकैक्वाना हम यूज़ कर रहे हैं जो कि एमेटिक्स ड्रग भी और एक्सपेक्टोरेंट ड्रग भी है, तो दोनों में हमने उसको रख दिया है, तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट है कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द इक्वल इम्पोर्टेंस ऑफ इज गिवन फॉर टैक्सोनॉमिकल स्टेटस एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जैसे इसका
हेडिंग सजेस्ट कर रहा है आपको कीमो एंड टैक्सोनॉमिकल। यहाँ पे केमिकल क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन दोनों को मिलाकर बनाया गया है कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो अब हमें यहाँ पर ड्रग का केमिकल नेचर भी पता है और उसका टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन भी हमें पता है। इन दिस क्लासिफिकेशन वी अप्लाई केमिस्ट्री टू टैक्सोनॉमी, इसलिए इसको कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है, जो कि लास्ट 25 ईयर से बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है। तो देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ केमिकल कॉन्स्टेंट विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्टेन क्लासेस ऑफ प्लांट्स। कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो कि एक स्पेसिफिक क्लास के प्लांट में पाया जाता है, तो वो भी हम इसमें से ईजिली पहचान सकते हैं, जैसे कि वॉलेटाइल ऑयल अकर इन द मेंबर्स ऑफ अम्बेलीफेरी एंड रूटेसी। यानी कि जो अम्बेलीफेरी और रूटेसी फैमिली के प्लांट्स हैं उनमें मोस्टली वॉलेटाइल ऑयल पाया जाता है, तो उसी फील्ड में हम स्टडी को आगे ग्रो कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। एडवांटेज इसके क्या है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड देयर बायोसिंथेसिस एंड एक्शन। अब यहाँ पर क्योंकि हमें उसके टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन के बारे में पता है कि उसका सोर्स क्या है, प्लस उस सोर्स में क्या मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है, यानी कि उस कैटेगरी के प्लांट्स में क्या मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है, तो हम इजीली उसकी जो बायोसिंथेसिस है उसको रिसर्च कर सकते हैं, वो क्या एक्शन शो कर रहा है, क्या फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है, हम उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, क्या इट इज़ कॉम्प्लेक्स टू रिकॉग्नाइज द केमिकल इन प्लांट्स, हैंस इट इज़ आल्सो ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। किसी भी प्लांट के अंदर क्या केमिकली चेंजेस हो रहे हैं, क्या उसमें बायोसिंथेटिक प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उसको फाइंड आउट करना, पहचानना बहुत टिपिकल टास्क है, तो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है इसमें कि क्या केमिकल कॉन्स्टेंट उसमें बन रहे हैं, वो क्या एक्टिविटी शो कर रहे हैं। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।